हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता। इस नाश्ते को आप इवनिंग स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। इसे हम रोटी से बनाएंगे, तो आप इसे फ्रेश रोटी या बची हुई रोटी से बना सकते हैं। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप बेसन लिया है। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है, थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते डाल लिया है और इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका घोल बना करके तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कि इसमें कोई गुठलियाँ ना पड़े। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका हमें अच्छा सा एक घोल बना लेना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा बैटर बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम एक पैन को गरम करेंगे और इसमें हम 1.5 बड़े चम्मच ऑयल को गरम कर लेते हैं। मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज को काट करके डाल लिया है। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इन सबको फिर मिला लेते हैं हम। इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो आपके पास जब भी बची हुई रोटी हो तो इसे आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू को मैश करके डाल लिया है और इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हम चाट मसाला डालेंगे, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और कुछ धनिया के पत्ते डाल लेते हैं और इन सबको हम मिला लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा स्टफिंग जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो अब इस स्टफिंग को हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 रोटियाँ ले ली है, जैसे कि मैंने काट लिया था, 4 पीस कर लिया मैंने इसे। आप देख सकते हैं ये 4 हिस्सों में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। तो अब हम इसमें आलू का बनाया हुआ स्टफिंग लगा लेते हैं और इसे हम दूसरी रोटी का स्लाइस जो है उससे हम कवर कर लेंगे, जैसे कि हम सैंडविच बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह से। ये आप देख सकते हैं। अब इस बनाए हुए रोटी सैंडविच को हम घोल में डालेंगे। ये बेसन का जो घोल हमने बना लिया है उसे हम पहले मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम इस रोटी सैंडविच को डाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसे गरम तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को भी गरम कर लिया है और इस गरम ऑयल में इसे हम डाल लेंगे और बीच बीच में पलटते हुए हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी अच्छा आया है, गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। तो इसे हमने निकाल लिया है। हमारा ये रोटी सैंडविच पकौड़ा बिल्कुल ब्रेड पकौड़े की तरह लग रहा है। तो आप भी बनाइए इसे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।